पेंटिंग एग्जीबिशन में जहां अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बनी हुई है, लेकिन हम उस पेंटिंग के विषय पर एक कलाकार से बात करेंगे कि किस तरह के उन्होंने कौन कौन सी यहाँ पेंटिंग बनाई है और उसमें कौन कौन सी भावनाएँ उन्होंने व्यक्त की है। आइए चर्चा करते हैं। मैम, जिस तरह से मैं देख रही हूँ यहाँ अलग अलग तरह की पेंटिंग्स हैं, लेकिन हर एक पेंटिंग की अपनी अपनी विशेषता है। मैं आप सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आपने पेंटिंग की शुरुआत कहाँ से की। मेरा नाम विनीता जोशी है और डेप्थ ऑफ रीडर्स में आर्ट क्लासेस के तहत हमने ये पेंटिंग लगाई है। हमने इस एग्जीबिशन में जितनी भी पेंटिंग लगाई है वो सारी रियलिस्टिक पेंटिंग्स हैं और पेंटिंग में अलग अलग टॉपिक की जैसे काम किया है। मेरा जो टॉपिक है वो स्ट्रगल, किस तरीके से एक इंसान अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए लाइफ में स्ट्रगल करता है और किस तरीके से वो टुकड़ों में अपना जीवन व्यतीत करता है। जिस तरीके का अभी समय चल रहा है तो हर एक इंसान मतलब वेल एजुकेटेड नहीं है, हर एक इंसान के पास में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तो जो छोटे तबके के लोग हैं वो किस तरीके से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पूर्ण करते हैं, उस चीज़ को लेकर के मैंने काम किया है। जो आपने पेंटिंग बताई जैसे कि है ना, मेरी जो पेंटिंग है एक ठेले वाला है, वो ठेले वाला धूप में, तपती धूप में, मतलब आप पेंटिंग जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ठेला है उसकी परछाई भी दिख रही है, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गहरी धूप है उस टाइम। तो वो उस तपती धूप में अपना कीमती समय अपने काम को दे रहा है, जिससे वो एक टुकड़ों में जीवन जीने वाला है। क्योंकि जब भी एक इंसान एक ठेला लगाता है या छोटा कोई काम करता है तो उसके पास भी एक प्रॉपर एक वेल्थ का कोई साधन होता नहीं है कि उसके पास में एक बंधी हुई इनकम हो या उसकी कोई प्रॉपर सैलरी हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। टुकड़ों में वो अपना जीवन यापन करता है। उसी तरीके से मैंने उसके अंदर बनाया है कि एक ठेले वाला शांति भाव से निश्चित होकर के भी अपना काम पूर्णता से कंप्लीट कर रहा है कि वो वहाँ आज रात को पेट भर के खाना खा सकें। मैम, कब से शुरुआत की आपने पेंटिंग? मुझे पेंटिंग करते हुए 7 to 8 ईयर्स हो गए हैं और पहले जब मैं काम करती थी तो इतना अच्छा नहीं करती थी, लेकिन जिस तरीके से समय के साथ साथ मैंने अपने काम को इम्प्रूव करा है उसके बाद ही जा कर के मैंने ये क्लास की रोकी। मैम, जैसे बताया कि बच्चे बचपन से पेंटिंग में जा रहे थे, इंटरेस्ट आता पेंटिंग में, आपने पढ़ाई की तो आप पेंटिंग की कैसे आपने अपने कला को निखारा? जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी तभी से मुझे पेंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और पहले तो सिर्फ वैसे ही शौकिया तौर पर पेंटिंग बनाती थी। उसके बाद में जब मुझे पेंटिंग की इम्पोर्टेंस समझ में आई तब जा कर के मैंने फिर इसको अपने अंदर लेने की कोशिश करी और स्टार्टिंग से अपने करियर को पेंटिंग में बनाने की कोशिश की। सच बोलूँ तो पहले किसी का भी नहीं था, लेकिन अभी आप इसमें काम कर रहे हैं, जैसे कि आपकी क्लासेस चल रही है, तो किसके साथ भी बच्चे आते हैं, कितने बच्चे आते हैं? अभी जो मैं काम कर पा रही हूँ वो मेरे हस्बैंड और मेरे जो फ्रेंड हैं उनके कारण कर पा रही हूँ, कि वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते पेंटिंग करने के लिए और क्लासेस के लिए। अभी जो मेरे पास में बच्चे आ रहे हैं क्लास में, वो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो इसी चीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कुछ हैं जो शौकिया तौर पर अभी काम कर रहे हैं, हो सकता है आगे जाके उन्हें भी इंपॉर्टेंस पेंटिंग की समझ में। अभी तक आपने कितनी पेंटिंग्स बनाई? अराउंड 50। और ऐसी कौन कौन सी स्पेशल पेंटिंग जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा गहरी भावना है चुकी? एक मैंने पेंटिंग बनाई थी 2016 में, एक मिर्ची वाली लेडी थी कि जो निमाड़ की एक लेडी थी जो तपती धूप में मिर्ची का टोकरा लिए रोड पे चलती थी। मतलब जितनी भी मैंने पेंटिंग बनाई उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रगल दिखाया है। एक पेंटिंग बनाई थी बर्निंग बुक, उसमें लकड़ी का स्ट्रगल था कि वो जल के किस तरीके से अपने आप को तपा करके हमको ठंड से बचाने की कोशिश करती है। कौन कौन से कलर्स यूज़ किए जाते हैं? स्पेशली मैं कलर जो यूज़ करती हूँ वो ऑयल कलर यूज़ करती हूँ, एक्रेलिक ऑयल एंड कलर पेंसिल। उस कलर से नुकसान नहीं, तो हम लोग जैसे ऑयल कलर यूज़ करते हैं तो ऑयल कलर से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ऑयल कलर ऐसा है कि वो ऑयल से बना होता है, जो अलसी का जो तेल होता है वो तेल पिगमेंट्स के अंदर कलर पिगमेंट्स में मिला करके और फिर वो कलर होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि मैम ने बताया कि ठेले वाले की कहानी है और ठेले वाला किस तरह से चिलचिलाती धूप में स्ट्रगल करता है, ये तो बात थी गुरु की, लेकिन अब गुरु के पास शिष्यों से भी जानते हैं कि उन्होंने अपनी कौन कौन सी पेंटिंग बनाई है और पेंटिंग के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त की। आपने बताया आपका नाम जो होता है, जो मतलब वो चीज़ फेस से जुड़ा है,
कॉल आना चाहिए जैसे मतलब एक वहाँ के जो मोनोमेंट्स हैं जितने भी मतलब
राजा महाराजा में जैसे हैं तो दिक्कत मेरी नाइस। इस पेंटिंग में आप राजस्थान का क्या क्या यूज किया है? मैंने अभी सिर्फ केमल बनाया है, बट केमल की जो जूली है उसका जो अटायर है जो भी उसमें पिक्चर से बने गए लाइट के जो भी बने पूरा पूरा नेट बना कलर्स मैंने उसमें पेंसिल कितना टाइम लगा उसमें अराउंड 1 मंथ। पेंटिंग की कलाकार आपकी जब खुशी से हम बात कर रहे हैं कि भाई दूसरों की पेंटिंग तो हर कोई बनाता है लेकिन खुद की पेंटिंग खुद से बनाने की बात ही कुछ और होती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार उन्होंने खुद की पेंटिंग बनाई है, हम जानेंगे कि कौन कौन से कलर उसके आप देख सकते हैं पूरा दिन उसके रहता है। शिक्षक अंकित सर से चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी खास बात है इस पेंटिंग में और खुद ही की तस्वीर उन्होंने क्यों यहाँ बनाई। जैसा कि मैंने देखा कि आपने खुद की तस्वीर बनाई पहले से कुछ ज़्यादा ही मन था। बचपन से तो थोड़ा बहुत करते थे घर में भी लेकिन 6 साल से कुछ ज़्यादा ही इस फील्ड में आने की इच्छा थी। काम चालू किया था यहाँ पर आप देखना चाहते मेरी अधिकतर तो सेल्फ पोर्ट्रेट ही चर्चा में रहते हैं, सब लोग पसंद करते हैं। जैसे पूरी एक मर्ड वाली पेंटिंग थी जिसमें बच्चा की जगह बैठ के इंजॉय करता था तो बचपन को दिखती बचपन के दिन को यहाँ पर मैंने बनाई थी और आज मैं सेल्फ पोर्ट्रेट ही बनाता हूँ। स्पेशल मुझे तो हर पेंटिंग अच्छी लगती है लेकिन स्पेशल मेरे को मर्ड वाली मेरे सोचा तो ऐसा कुछ नहीं था। शुरू से स्केचिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी और जैसे जैसे सब लोग घर वालों ने भी सपोर्ट किया उन्होंने भी काम को सराहना की इसलिए मैं स्पेंटिंग और आगे बढ़ते चलते आज भी मैं सिर्फ अच्छी मेन तो इसकी डिटेल के कारण ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। कलर तो कैसे भी यूज़ करते हैं लेकिन जो बारीक बारीक डिटेल को पकड़ा है उसके कारण भी वो सिल्वर है ज़्यादा थोड़ा सा जो अच्छा करना पड़ता है उसके साथ साथ जितनी भी बारीक से बारीक डिटेल होती है फेस पे उसको ऑब्जर्व करके उसको ड्रॉ करना पड़ता है। जो कलर जैसा है वैसा कि वैसा बना के लगाना पड़ता है सेम चल रहा है उसको 15 दिन लगेगा। हाँ 15 दिन ऐसे ही नहीं सुबह से लेकर रात तक गया तो मैंने उसके बाद रात में काम करना मुझे कार के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे तो बाहर का कैसा सीन दिखता है।
बारिश का सीज़न बहुत पसंद है और बारिश के सीज़न में जब सब इंजॉय करते हैं बारिश का सीज़न, इसलिए मैंने मैंने वाटर ड्रॉप जो पट्टी पे कुछ वाटर ड्रॉप देखती है उसके ऊपर पेंटिंग बनाई है जो ग्रीनरी होती है जो कुछ मतलब ग्रीनरी जो होती है वो हैप्पीनेस को शो करती है तो मैंने उसको फोकस कर दिया। क्या हो रहा है इसका मतलब हम क्या होता है कुछ फेसिस को हम अपने जो जिंदगी में रहते हैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसमें जो पट्टी पे जो वाटर ड्रॉप देखती है वो क्या जो वाटर ड्रॉप्स को कंट्रोल नहीं कर पाते अपने ऊपर channel and press the bell icon for more updates.